ही हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो वही दोस्तों, को बता दें कि सिंगर आस्था गिल को मुंबई एयरपोर्ट पे कर दिया गया है स्पॉट। आपको बता दें कि आस्था गिल इस दौरान बेहद ही हॉट अंदाज में नजर आई हैं और इस दौरान उन्हें जमकर पैपराजी को पोज दिया है। तो वही सायरा बानो को बैंड्रा में क्लिनिक के बाहर कर दिया गया स्पॉट। आपको बता दें कि इस दौरान सायरा बानो बेहद ही कैजुअल अंदाज में नजर आई है। बॉलीवुड की हॉट अदाकारा सनी लियोनी को स्टूडियो के बाहर कर दिया गया है स्पॉट। आपको बता दें कि अपने अपकमिंग सॉन्ग के लिए सनी लियोनी यहाँ पर शूटिंग के लिए पहुंची है। वेल इस दौरान लियोनी को बेहद ही कैजुअल अंदाज में स्पॉट किया गया, जहां वो टॉप एंड जींस पहने पेपराजी को पोज देते हुए नजर आई हैं। तो दोस्तों वही आपको बता दें कि उर्वशी रौटेला पहुंची बैटल इन्फिनिटी के लॉन्च पर। आपको बता दें कि इस दौरान उर्वशी रौटेला बेहद ही स्टाइलिश अंदाज में नजर आई हैं। वह लैवेंडर कलर के आउटफिट में वो कैट हाथी भी नजर आई हैं। उनका यह अंदाज हर किसी को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि इस ड्रेस में और इस आउटफिट में उर्वशी रौटेला बला की खूबसूरत लग रही थी। तो वही इंडियन क्रिकेटर इरफान खान भी पहुंचे बैटल इन्फिनिटी लॉन्च के दौरान। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी को बैंड्रा में कर दिया गया है स्पॉट। आपको बता दें कि इस दौरान वो बेहद ही कैजुअल अंदाज में नजर आई हैं और उन्होंने जमकर पैपराजी को पोज दिया है। अक्सर अपने ड्रेस सेंस की वजह से सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद एक बार फिर से स्पॉट कर दी गई है अंधेरी में। आपको बता दें कि इस दौरान उर्फी जावेद एक बार फिर से अपने अतरंगी अंदाज में नजर आई हैं, जहां उनके आउटफिट ने खींचा हर किसी का ध्यान। वेल आपको बता दें कि उर्फी जावेद इस दौरान बेहद अलग अंदाज में नजर आई हैं और ये बेहद ही रिवेलिंग ड्रेस था। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।